हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल जो है आप सबको वेलकम करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम प्रोडक्शन का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं तो हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक जो है डैट इज़ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और ये काफ़ी सारी क्लासेस के लिए सिग्निफिकेंट है। सी ए फाउंडेशन, सी एस फाउंडेशन, एम कॉम, बी बी ए, बी कॉम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के लिए हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 3-4 पार्ट्स के अंदर करेंगे, जिसके अंदर जैसे सेकेंड वीडियो जो है वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट वन के बाद जो है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन पे आएगा, उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट पे आएगा, और उसके बाद क्या है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे आएगा। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अपने चैनल के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा कि किसी ने मेरा वीडियो जो है काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। शशि अग्रवाल मेरे चैनल का नाम है, जिसके ऊपर 1500 के आसपास जो है वीडियोज़ हैं जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को डील करती हैं। और सेकेंड चैनल जो है मेरा शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ है, जिसके अंदर प्योरली इकोनॉमिक्स एंड लॉ की क्लासेज हैं, और उसी तरह मेरे जो रिटर्न नोट है वो मेरे ब्लॉग garkshashi.com पे मिल जाते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मांगा था, तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दिया है, 7973179091, और ये मेरी ईमेल आईडीज़ है queriesmanagement@gmail.com, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने अगर कोई भी क्वेरी हो। तो उसी के साथ ही क्या है कि देखो, जैसे आप लोग मुझे कोई भी प्रॉब्लम भेजते हो तो देखो 1 वीक या 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने में, उसके ऊपर मटेरियल इकट्ठा करने में। तो आप लोग इतना हरी मत मचाया करो, क्योंकि देखो जो आप, अगर आपका एग्ज़ाम है कल, तो आपको 10-12 दिन पहले जो है मुझे इंटीमेट करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है आज, वीडियो बना दो। देखो आज इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ए रॉबर्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो जिसको मैं अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या है कि 7 डेज और 10 डेज का जो है मिनिमम टाइम जो होता है चाहिए होता है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट और प्रोडक्शन जो है, देखो ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। जो कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन होता है उसको हम कॉस्ट फंक्शन कह देते हैं या कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। देखो जब भी हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर लागत तो आती है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आउटपुट होता है उतनी ही कॉस्ट होती है। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स करते हैं। और ये जो कॉस्ट एनालिसिस है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कॉस्ट कर्व एंड सेकंड जो है डैट इज़ दी मॉडर्न अप्रोच ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी दी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हम शॉर्ट रन के अंदर जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कंसेप्ट हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। जैसे मनी कॉस्ट है, देखो मनी कॉस्ट का अर्थ होता है कि जो भी कमोडिटी हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जिनको पेमेंट किए है, तो जो पैसा खर्च किया है डैट इज़ कॉल्ड दी मनी कॉस्ट। दी मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। जैसे हमने लेबर को वेजेस दिए हैं और जो लैंड है उसको रेंट दिया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, तो वो सारी जो मनी फॉर्म के अंदर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को पेमेंट करते हैं डैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। क्योंकि जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अगर हमने पैसा उधार लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देते हैं, अगर हमने बिल्डिंग किराए पर ली हुई है रेंट देते हैं, लेबर रखी हुई है उसको वेजेस देते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस, तो ये सारे जो हम मनी की मुद्रा के रूप में पे करते हैं डैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, इसके जो एलिमेंट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है उसको समझ लो। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो पॉकेट से हम पे करते हैं। देखो वो जो एक्सपेंसेस हम सचमुच में करते हैं, जो दूसरों को पेमेंट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कैश पेमेंट्स होती हैं जो फर्म आउटसाइडर्स को पेमेंट करती हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स जो है फर्म्स को अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेजेस हम लेबरर को पे करते हैं, बिल्डिंग अगर हमने किराए पे ले रखी है उसका रेंट पे करते हैं, लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट देते हैं, तो दीज आर दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट
जिसको हम आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम आउटसाइडर को पे करते हैं, और उसी तरह हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। जैसे मान लो मैंने अपना बिजनेस खोलना है तो मेरे पास क्या है कि बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर अपना बिजनेस जो है सेटअप कर लिया है। बट अगर ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो जो मैंने अपनी बिल्डिंग सप्लाई है तो उसका नोशनल इंटरेस्ट भी मुझे डालना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि देखो ये जो कॉस्ट होती है ये एंटरप्रेन्योर के ऑन फैक्टर जो वो सप्लाई करता है, जिसके लिए उसको बाहर लोगों को पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इम्प्लिसिट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। सेल्फ ओन का अर्थ होता है कि जो ऑनर के खुद के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको जब वो अपने बिजनेस के अंदर यूज करता है तो नेचुरली वहाँ पे उनके भी जो नोशनल खर्चे होते हैं डालने होते हैं, ताकि हमें ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चले। इम्प्लिसिट कॉस्ट का अर्थ होता है कि जैसे देखो मैंने अपना बिजनेस खोला है, उसमें अपना पैसा लगाया है, तो अगर मैं बाहर से लेती तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, अगर उसने खुद का लैंड यूज़ किया है तो उसका नोशनल रेंट क्या है, अगर वो खुद बिजनेस के अंदर जो है एज ए काम करता है तो उसकी लेबर के चार्जेस क्या हैं, तो ये सारे जो नोशनल खर्चे हैं हमें डालने पड़ते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो जो मनी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो कैश पेमेंट सब करते हैं, पर जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आ जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है सेल्फ ओन और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है, जिसके हम नोशनल खर्चे डालते हैं। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइडर्स को कैश पेमेंट्स करते हैं। और उसी तरह देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने सेक्रीफाइस कर दिया। इसको हम पहले एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर हम राइस भी ग्रो कर सकते हैं, चने भी ग्रो कर सकते हैं। मान लो हमने राइस ग्रो करने का डिसीजन लिया है, अगर हम चने ग्रो करते तो हमें वहाँ से 1000 की इनकम होती। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम राइस प्रोड्यूस करते हैं तो कम से कम हमें 1000 की इनकम प्रोड्यूस होनी चाहिए। और उसी तरह जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है उसकी 20,000 सैलरी है, तो दूसरी जॉब पे वो तभी जाएगा जब उसको दूसरी जॉब पे 20,000 या उससे ज़्यादा मिले, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम बेसिकली क्या होता है कि जो सप्लाई होती है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। जब रिसोर्सेज को हम गिवन कमोडिटी के लिए यूज़ करते हैं तो नेचुरली हम और भी उसको और अदर एरियाज़ के अंदर भी यूज़ करते थे। जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस की है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हर एक वेरिएबल फैक्टर जो है नेचुरली जो अपने ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर प्राप्त करता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी डैट मस्ट बी सेक्रीफाइस। तो जो हमने वाई कमोडिटी सेक्रीफाइस की है तो नेचुरली वाई कमोडिटी से जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो एक्स कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट। अगर देखो जैसे मैंने बिल्डिंग है अपने बिजनेस के अंदर यूज़ की है, अगर मैं उसको रेंट पे देती तो मुझे 10,000 की इनकम होती। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, कम से कम जो बिजनेस है उसके अंदर से मुझे 10,000 जो है मिलना चाहिए, ताकि क्योंकि वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रियल कॉस्ट क्या है। देखो रियल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम कैलकुलेट नहीं करते। रियल कॉस्ट का अर्थ होता है कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस वो करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, तो रियल कॉस्ट जो होती है कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कंसीजन है, इसको हम एक्यूरेटली मेयर नहीं कर सकते। रियल कॉस्ट जो होती है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं उसके अंदर कितनी पेन और कितनी इनकन्वीनियंस जो है बेयर करते हैं। देखो जब लेबर जो है काम करती है तो नेचुरली वो काम करती है, धूप में भी काम करना पड़ता है, तो वो पेन और जो डिस्कम्फर्ट सफ़र करना पड़ता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम पैसा किसी को उधार देते हैं तो उतनी देर के लिए हम अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसको हम रियल कॉस्ट कहते हैं। कि जो रियल कॉस्ट होती है पेन और डिस्कम्फर्ट के अंदर होती है, इनकन्वीनियंस के अंदर होती है, जिसका जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि इसको हम मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में मेयर नहीं कर सकते। और उसी तरह हम देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो होता है, कॉस्ट और इसके डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखो जो एस है बेसिकली साइज है, ओ जो है डेट इज़ द लेवल ऑफ द आउटपुट, पी जो है डेट इज़ द प्राइस ऑफ इनपुट्स, डेट इज़ द टेक्नोलॉजी। अब इसको हम थोड़ा सा डेप्थ के अंदर करेंगे।
वट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, साइज ऑफ द प्लांट. देखो जो साइज ऑफ द प्लांट है, स्केल ऑफ द ऑपरेशन है, ये कॉस्ट के साथ क्या है कि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है. क्योंकि जब हमारा साइज जो है बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, और उसी तरह जो आउटपुट है उसका जो रिलेशन है कॉस्ट के साथ पॉजिटिव होता है. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाती है कॉस्ट भी बढ़ती जाती है. और ये बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो MC और AC जो है इनिशियली डिक्लाइन करती हैं, उसके बाद जो है राइज करनी शुरू हो जाती हैं. और उसी तरह जो प्राइसेस ऑफ दी बेसिकली क्या है कि इनपुट है वो भी आउटपुट के साथ जो है रिलेटेड है. क्योंकि अगर इनपुट जो है एक्सपेंसिव है तो नेचुरली आउटपुट जो है वो भी कॉस्टली होगा. और उसी तरह अगर टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है. अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो उससे कॉस्ट इन्हांस हो सकती है. और उसी तरह मैनेजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो भी अगर बेटर है तो हमारी कॉस्ट को वो मिनिमाइज करती है. कॉस्ट को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर. तो जो थ्योरी है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर हम शॉर्ट रन कॉस्ट को स्टडी करेंगे. देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. जब हमने प्रोडक्शन को इन्हांस करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते. तो शॉर्ट रन के अंदर क्या है कि जो टोटल कॉस्ट होती है डैट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पे शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उसी के मुताबिक ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो शॉर्ट रन है, देखो जैसे मैंने आपको बताया फिक्स फैक्टर्स होते हैं, तो फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा करते हैं डैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा हम करते हैं उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है. जैसे हमने बिल्डिंग किराए पे ले लिया, वहाँ पे हम काम करते हैं या नहीं करते हैं बट उसका हमें रेंट देना पड़ेगा. और उसी तरह अगर हमने पैसे उधार ले लिए, चाहे हम काम करते हैं चाहे नहीं करते, बट स्टिल वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट. फिक्स कॉस्ट जो होती है, चाहे हम प्रोडक्शन ज़ीरो करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है. एक्सपेंस जो कि हम फिक्स फैक्टर के ऊपर पे करते हैं, इनको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. और ये आउटपुट के साथ रिलेटेड नहीं होते. फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, रेंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, लाइसेंस फी, इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो ये कम होती जाती है, पर यूनिट कम होती जाती है. बट इसका आउटपुट ज़ीरो है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है. और उसी तरह हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम टेबल वाइज और ग्राफिकली हम इस तरह से शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया बट आपने वहाँ पे एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है, डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे देखो आउटपुट बढ़ता जा रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम ही रहती है. तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है डैट इज़ यहाँ पे ओ एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं, तो इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है. और यहाँ पे क्या होता है कि देखो लॉ ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है. अगर शॉर्ट रन है तो इनिशियली जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इनिशियली जो होती है बेसिकली कम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बढ़नी शुरू हो जाती है. तो इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, स्पेशल कॉस्ट भी कह सकते हैं. डूले कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आर द दोज कॉस्ट विच वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरी. अगर आउटपुट चेंज होता है तो ये भी चेंज होती है. वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल के ऊपर जो खर्चा होता है, फ्यूल एंड पावर के अंदर जो टेम्परेरी लेबर पे खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, देखो ये जो है प्राइम कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि ये आउटपुट के साथ सीधा इसका संबंध होता है. और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है बढ़ती जा रही है. तो इनिशियली हम देखते हैं कि ये घटती हुई दर से क्या होता है कि इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होता है कि ये तेजी के साथ जो है बढ़ना शुरू कर देती है. तो यहाँ पे तो जो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है उसको हम इस तरह से जो है डिपिक्ट कर सकते हैं. ये इस तरह से है, देखो यहाँ से ये ओरिजिन से शुरू होता है, तो ये जो है वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है. और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे
टोटल कॉस्ट जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो अगर ज़ीरो प्रोडक्शन है तो भी हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। तो उसी तरह हर एक लेवल पे हमने फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दिया तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका ग्राफ है, अब देखो जो टोटल कॉस्ट है वो ओरिजिन से शुरू नहीं होती, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और ये जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ पे ख़त्म होती है यहाँ से शुरू होगी। तो ये जो है टोटल कॉस्ट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर ज़ीरो प्रोडक्शन है तो भी ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो देखो जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है डेट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। फिक्स कॉस्ट जो है आउटपुट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर आउटपुट ज़ीरो है तो भी हमें इसका इनकर करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आउटपुट के साथ वेरी करती है, आउटपुट ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जब इसको हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है, सॉरी जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम आउटपुट के साथ डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम आउटपुट के साथ डिवाइड करते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो फिक्स फैक्टर के ऊपर हम खर्चा करते हैं डैट इज़ फिक्स कॉस्ट, जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्चा करते हैं डैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। और उसी तरह हम देखते हैं कि शटडाउन डिसीजन जो होते हैं, देखो जो हम ये डिफरेंस इसके अंदर करते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है कौन सी कॉस्ट जो है हमारी वेरिएबल है, तो ये हमें शटडाउन डिसीजन लेने के अंदर भी क्या है कि हेल्प करती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो होती है डेट इज सेग्रीगेटेड इंटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमारी कॉस्ट जो है वो सेग्रीगेटेड है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो जो अगर हमारी जो प्राइस है, मान लो अगर हमारे प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 6 + 4 है, 6 जो है वेरिएबल कॉस्ट है, 4 रुपीज़ जो है फिक्स कॉस्ट है। अगर हमारी मार्केट के अंदर जो प्राइस है हमें मिल रही है 7 रुपीज़ मिल रही है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो फिक्स कॉस्ट का लॉस है वो 3 रुपीज़ का होगा, क्योंकि हमारी प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। और अगर हमारी क्या है कि जो प्राइस हमें मार्केट के अंदर मिल रही है वो है 5 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो वहाँ पे हमें 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट का लॉस होगा और 4 रुपीज़ हमें फिक्स कॉस्ट का होगा। तो ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि हमें बिज़नेस को कैरी ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उसी तरह देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है इसको कंट्रोल करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह ये जो कॉस्ट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने में भी हमें हेल्प करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट है जब हम उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो वो जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो एवरेज कॉस्ट आती है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको जब हम आउटपुट के साथ डिवाइड करते हैं, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जब हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है डैट इज़ कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है जब हम एवरेज जो टोटल फिक्स कॉस्ट है जब हम उसको टोटल आउटपुट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पर यूनिट जो है फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। और उसी तरह एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है डेट इज़ द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। जब हम इसको यहाँ पे टेबल वाइज करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते जाते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होती जाती है। और इसको हम ग्राफिकली जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी जो स्लोप है ऊपर से नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है, जिसका अर्थ है कि ज़्यादा हम ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो पर यूनिट जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये कम होती जाती है। ये लगता है कि एक्स एक्सिस को टच करेगी बट ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करती। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट के साथ डिवाइड करते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब हमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया, जैसे 10 है तो उसको 1 से डिवाइड किया, 18 है तो 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरू के अंदर जो हमारी पर यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट है ये कम होती है, यहाँ पे ये मिनिमम हो जाती है, उसके बाद तेजी के साथ ये बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जो शेप है, देखो इस तरह से होती है वो, ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये यू शेप्ड है क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है फॉल कर रहा है, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि देखो जो एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है फॉल करती है, क्योंकि शुरू में जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि फिक्स फैक्टर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ होती हैं, और बाद में क्या होता है कि वो ऑप्टिमम रेशियो के बाद क्या होता है कि हमें डिस इकोनॉमीज़ देने लग जाती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। तो एवरेज कॉस्ट भी क्या है कि शुरू में ये फॉल करती है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट पे है, उसके बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखो इसकी भी जो शेप है वो यू शेप्ड है, शुरू में ये फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट, उसके बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे भी जो इसका रीज़न होता है, शुरू में इसलिए ये फॉल करती है क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है, तो शुरू में दोनों कॉस्ट जो है डिक्लाइन करती है। उसके बाद क्या होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होती रहती है बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है इंक्रीज, ये वाला राइजिंग हिस्सा है। और इसी तरह क्या होता है कि देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है कि शुरू के अंदर जब फिक्स वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं तो जो रेशियो है वेरिएबल और फिक्स का वो ऑप्टिमाइज होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज होती है। एक सीमा के बाद क्या होता है कि वो जो है डिस इकोनॉमीज देने लग जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि राइज होना शुरू हो जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, देखो यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसका मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, ये इसका फॉलिंग हिस्सा है और ये इसका राइजिंग हिस्सा है। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो गैप है वो कम होता जाता है। और उसी तरह देखो ये जो है एवरेज कॉस्ट है, इसकी भी जो शेप है यू शेप है, इसका मिनिमम पॉइंट जो है बाद में आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पहले आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एसी है उसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करके निकाल सकते हैं, और एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होती है। और उसी तरह ही जो उनमें जो एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्लोज होती है, बट ये एक दूसरे को टच नहीं करती। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, और जो शेप होती है एवरेज कॉस्ट की वो यू शेप होती है।